हेलो दोस्तों, मेरे सेकंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। और हम अक्षरधाम घूमने आए थे और पर हमको अंदर फोन ले जाने की इजाज़त नहीं है, इसीलिए हम अभी बाहर से दिखाएंगे, फिर अंदर से आने के बाद दिखाएंगे आपको, और जो भी जानकारी होंगी अब आपसे साझा करेंगे। इन द क्लोक रूम ये पूरी जाली है, वाटर बॉटल्स, पेंस, ज्वेलरी, स्मॉल मनी पर्सेस आर परमिटेड। दोस्तों अभी हम फोन जमा करवाने जा रहे हैं और अंदर आने के बाद आपको सारी जानकारी देंगे अक्षरधाम धाम में क्या क्या था क्या क्या नहीं। चलिए चलते हैं। ये है दोस्तों अक्षरधाम, बाहर से हम दिखला रहे हैं आपको क्योंकि अंदर फोन ले जाना अलाउड नहीं है। और ये देखिए पूरी भीड़, ये पूरी भीड़ हो रही है। कहाँ जा रहे हो? तो दोस्तों ये हमको पर्ची दी गई है, इसी पे हम फ़ोन की डिटेल लग के जमा करेंगे। अरे मेरे पीछे देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे भी। अभी शाम के 5:45 हो रहे हैं और देख रहे हैं इतनी भीड़ हो रही है। मंदिर परिसर में बैग, सामान, बेल्ट, जो कुछ इत्यादि चीज़ें हैं जो यूज़ में आती है, वो सारी चीज़ें ही जमा करवानी पड़ती है। इसको कोई अंदर ले जाने का रूल नहीं है और हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको कभी भी आए घूमने के लिए और दिक्कत ना पड़े आने में, यहाँ पे पर्ची लीजिए और पर्ची लेने के बाद उसमें भरिए अपनी सारी डिटेल, भरने के बाद काउंटर पे जमा कर दीजिए। मैं आपको काउंटर भी दिखलाऊंगा अभी। यहाँ काउंटर सामान कक्ष जमा यहाँ पे जमा होगा और यहाँ पे कटोरी मिलेगी, टोकरी सामान भरने के लिए, के आगे हमको अंदर ही सामान जमा के काउंटर के अंदर हमको जाना पड़ेगा लाइन से क्या क्या जमा करना है। कुछ इस प्रकार हमको टोकरी में सामान रखना पड़ेगा जिसमें हमारे 5 फ़ोन और एक हैंड फ्री है, और इस प्रकार पर्ची भरनी पड़ेगी। तो दोस्तों हम फ़ोन जमा करने जा रहे हैं और मिलते हैं हम मंदिर के अंदर से आने के बाद। आगे चलते ही मंदिर की भव्य इमारत देख के बहुत ही आनंद मिलता है, इसके चारों तरफ का नज़ारा इतना ही सुंदर आकर्षित। आगे चलते ही बीचों बीच एक सरोवर मिलता है, इतना सुंदर सरोवर। सरोवर से थोड़ी दूर एक बच्चों का प्लेग्राउंड और पार्क पड़ता है। पार्क से थोड़ी दूर और चलेंगे तो पानी का चारों तरफ से मंदिर को घेरा हुआ आकृति मिलती है, और इन आकृतियों के बाद शाम के टाइम मंदिर का दृश्य और ही ज़्यादा सुंदर लगने लगता है। शाम के टाइम मंदिर में ऐसी जगमगाती हुई लाइटिंग का उत्सव और लाइटिंग की इतनी बेहतर दृश्य देख के मन जोश से भर जाता है। और आगे चलते ही कृष्ण भगवान की इतनी प्यारी प्रतिमा देख के मन बाग बान हो जाता है। इनकी इतनी सुंदर मूर्ति देख के मन करता है इनके ही पास रह जाए। और इसके बाद रात के 8:15 पर ये शो चालू होता है। इस शो में अलग ही चीज़ें और अलग ही आनंद मिलता है, इससे भी ज़्यादा वाटरफॉल का शो देखने में मज़ा आता है। इसकी अलग अलग लाइटिंग देख के, और लाइटिंग के कलर इतने अलग अलग प्रकार के होते हैं, और अलग अलग लाइटिंग से फाउंटेन निकलते हुए और ही आनंद मिलता है। इतनी सुंदर पानी की आकृतियाँ देख के मन बहुत ही अच्छे खुश हो जाता है। तो दोस्तों वेलकम बैक, अब हम घूम के आ चुके हैं अक्षरधाम मंदिर से, और ऐसी हमको कई चीज़ें जानने को मिली जो आपको हम बताने की कोशिश करेंगे। और वैसे बताने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं पर हम कुछ ही बातें बता पाएंगे। मंदिर में एंट्री करते ही सामने हमको बहुत बड़ा एरिया मिला जिसमें भगवान की मूर्तियाँ, स्तूप और सारी गार्डन भी है, और हमारे राष्ट्रीय महात्मा लोगों के स्तंभ भी हैं और उनके बारे में जानकारियाँ भी लिखी है। आइए एक बार जरूर देख के जाइए। स्वामी नारायण जी का मंदिर के ऊपर है ये जो स्वामी नारायण मंदिर है, और इसको देखने में बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसकी जो क्यूरियोसिटी है, जिसकी बनावट बिल्कुल ही बारीक है, इतनी बारीक है कि पूछो नहीं, और मैं भी देख के हैरान हो गया। वैसे सेकंड टाइम पे मैं आया हूँ और मुझे पता था सिक्योरिटी रीज़न से,
फोन जमा कर लीजिए। तो फोन चेकिंग होती है, कई प्रकार की चेकिंग है जो आप ले जा नहीं सकते, और बिल्कुल सिक्योरिटी में रखा गया है। और इसके मेरे पीछे देख रहे हैं रोड, यहाँ पे आपातकालीन के लिए सिर्फ गाड़ी चल सकती है, वैसे नहीं। अब बंद हो चुका है ये, 8 बजे बंद हो जाता है, एंट्री बंद हो जाती है। जो लोग इसमें अंदर पहले से होते हैं वो रह सकते हैं, और एंट्री बंद कर देते हैं। और 8:15 पे एक वाटरफॉल का शो भी होता है, जो पैसों में होता है 90 रुपये, और 11 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए तुम्हारे 60 रुपये, और छोटे बच्चों के लिए फ्री है। और एक बार फिर से हम आपको मंदिर की झलक दिखा देते हैं बाहर से, कि अक्षरधाम मंदिर नाइट में कैसा होता है। और ऐसी खूबसूरत जगह आपको ज़रूर आना चाहिए और एक बार ज़रूर देखना चाहिए। ये दिल्ली में नोएडा सिटी में स्थित है, और अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन के पास ही है, कुछ 5 मिनट की दूरी पे लगता है इसकी जगह जाने में, और बहुत ही आनंद मिलता है। और आइए हम दिखाते हैं आपको रात का अक्षरधाम मंदिर दिखता कैसे है। चले यस, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जो नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं वो पार्किंग एरिया है, जो यहाँ पे घूमने आए वहाँ पे पार्किंग एरिया के लिए ये जगह बनाई गई। और देखिए कैसी जगमगाती हुई लाइटों से सजाया गया अक्षरधाम मंदिर को। सिक्योरिटी रीजन की वजह से हम अंदर जा नहीं सकते, पर आपको बाहर से ही देख के इतना खूबसूरत लगता है, तो अंदर जाके कितना खूबसूरत लगता है। ये 10 बजे तक खुला रहता है। और दोस्तों, अक्षरधाम मंदिर के बारे में जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे हम अपने नए नए ब्लॉग में आपको नई नई चीज़ों के अनुभव कराते रहेंगे। बोलते हैं और मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग में। ओके बाय दोस्तों, और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय।